सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ, बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात, टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र, क्या होगा सस्ता क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात, तो फटाफट जुड़िए बिस्तक के साथ। दुनिया भर में विंडोज पर काम करने वाले तमाम आईटी सिस्टम्स, कंप्यूटर और लैपटॉप 19 जुलाई को अचानक बंद पड़ गए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों को, या ये कहें कि दुनिया भर के लगभग सभी देश प्रभावित हो गए। ज्यादातर एयरलाइंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी रेल सेवाएं और मीडिया हाउसेस का कामकाज भी ठप पड़ गया। इसके पीछे की बड़ी वजह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की तकनीकी दिक्कत बताई गई। भारत सहित पूरे विश्व में पेमेंट सिस्टम्स भी प्रभावित हुए, यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो शुक्रवार 19 जुलाई को एक ऐसा संकट आया कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणमा द्विवेदी। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट से लेकर बैंकों तक में कामकाज ठप हो गया है, ट्रेन से लेकर प्लेन तक की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया। ये सब हुआ दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी की वजह से, जिससे दुनिया भर में विंडोज पर काम करने वाले सिस्टम्स को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर एकदम से ब्रेक लग गया है, एविएशन सेक्टर पर इसका बड़ा असर देखने को मिला है। भारत में हालांकि स्टॉक एक्सचेंज में रुकावट की खबर नहीं आई है, लेकिन यहां कई कंपनियों की हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार ने इस तकनीकी खराबी पर संज्ञान लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ग्लोबल लेवल पर हुई इस तकनीकी खामी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के साथ संपर्क में है। इस आउटेज के कारण की पहचान कर ली गई है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। CERT टेक्निकल एडवाइजरी कर रहा है, NIC नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं हुआ है। यह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बयान आया। तो सरकार तो यह कह रही है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन साइबर आउटेज से दुनिया भर की फाइनेंस कंपनीज पर भी बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। दुनिया भर के बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज में लेन देन से लेकर तमाम तरह की ऑनलाइन सर्विसेज रुक गई हैं और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दलाल स्ट्रीट में भी ट्रेडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एंजल वन, 5 पैसा, IIFL सिक्योरिटीज और नुवामा जैसी कई फाइनेंस कंपनीज में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना मिली है। माइक्रोसॉफ्ट की समस्या के कारण उनके सिस्टम्स प्रभावित हो गए हैं। परेशान कारोबारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नुकसान के लिए ब्रोकरेज फर्म से मुआवजे की मांग तक कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सौदों को बेचने में परेशानी हुई है, क्योंकि ऐप पर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं दिख रहा था। 5 पैसा ने एक्स पर बताया कि क्राउड स्ट्राइक, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो हमें साइबर सुरक्षा समाधान मुहैया कराता है, उसमें एक वैश्विक आउटेज आने के कारण हमारे सिस्टम्स बुरी तरह प्रभावित हो गए। हमारी टीम जल्द से जल्द इसे बहाल करने के लिए उन दोनों कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। एंजल वन, नुवामा, मोतीलाल ओसवाल के व्यापारियों ने भी इस टेक्निकल ग्लिच की सूचना दी। डिस्काउंट ब्रोकर ग्रो ने हालांकि कहा है कि वो क्राउड स्ट्राइक के साथ काम नहीं करता है और इसलिए उसकी सेवाओं पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ा, यानी इस पूरे मामले से ग्रो जो है वो बेअसर रहा है, ऐसा उसका कहना है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने भी ये बात कही कि सीमित प्रभाव पड़ा है उसके ऊपर, क्योंकि इसके नेटवर्क को, इसके तंत्र को पूरी तरह से रुकावटों का प्रभाव कम करने के लिए बनाया गया है। नुवामा के प्रवक्ता का यह कहना है कि हमने सॉफ्टवेयर पैच लगाया था और एक्सचेंजेस को इसकी सूचना पहले ही दे दी थी। परेशान व्यापारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्रोकरों से अपने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करते हुए ये कहा कि वो अपनी पोजिशंस बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐप पर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल राहत की खबर यह है कि भारतीय शेयर बाजार BSE और NSE इस आउटेज से अब तक प्रभावित नहीं रहे हैं। कई देशों में स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज में रुकावट की खबरें आईं। इस बीच भारत के प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यह बताया कि इस वैश्विक आउटेज का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। NSE का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर सामान्य ढंग से कामकाज चल रहा है। एक्सचेंज के प्रवक्ता ने बयान में यह कहा था कि NSE और NCL आज सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने भी ये बात कही कि माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज से SBI का सिस्टम भी प्रभावित नहीं हुआ है।
उधर बैंकों सहित दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स को परेशानी के बाद कंपनी ने बताया कि वो धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप और उसकी सेवाओं तक पहुंचने वाली हर समस्या को ठीक कर रही है। तो कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज दुनिया भर में ठप होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका बड़ा असर एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज और दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज पर पड़ रहा है। क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट को इसकी वजह बताया जा रहा है। कुछ लोग इसे साइबर अटैक भी कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब यह आउटेज या तो ये ग्लिच है या फिर ये एक साइबर अटैक है। ये पूरी तस्वीर सिर्फ तभी साफ हो पाएगी जब इस आउटेज के ठीक होने के बाद, सारी रिकवरी आने के बाद इसकी असल वजह सामने आ पाएगी। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।